हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लीली रिया ब्लॉग में। आज बहुत काम है और कुछ काम की हूँ तो सारा रूम मैसी हो गया है और काफ़ी दिक्कत हो रहा है। सामान इधर उधर पड़ा हुआ है और काफ़ी गंदा रूम है, तो चलिए एक एक करके साफ कर लेती हूँ। और आज का दिन तो लगता है सारा दिन काम में ही लग जाएगा। इसके अलावा भी बहुत काम है तो चलिए कर लेते हैं। घर की सफाई, साथ साथ खाना बनाना और ख़ुद का ख्याल रखना हर काम पर डे का है। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई काम करने का मन नहीं करता है, फिर भी करना पड़ता है। तो लड़कियों का ऐसे ही होती है ज़िंदगी, ना चाहते हुए भी हर एक दिन ये डेली रूटीन करना पड़ता ही है। तो वरना अच्छा भी नहीं लगता है घर अगर मैसी हो तो। गर्मी का मौसम चल रहा है, साथ ही हवा काफ़ी चल रहा है और रोड के किनारे घर होने के कारण सारा रूम धूल से भर जाता है। पर डे का ये काम होता है, एक दिन साफ करती हूँ दूसरे दिन धूल जमा रहता है। ऐसा लगता है कि हफ्तों से रूम बेडरूम साफ ही नहीं हुआ है और सारा जगह धूल ही धूल दिखेगा। तो ये रोड के किनारे होने से यही दिक्कत होती है। अच्छा लगता है रोड के किनारे रहना, लेकिन धूल मिट्टी का सामना हर दिन करना पड़ता है और पल पल करना पड़ता है। थोड़ा देर भी रखिएगा तो पूरा धूल से घर भर गया और मेरा भी बेडशीट में काफ़ी धूल आ जाता है खिड़की खोलने के वजह से। तो इन सबको मैं साफ़ कर लेती हूँ और थोड़ा धूप में भी रख देती हूँ। और अभी रजाई कंबल मैं अच्छे से रखी नहीं हूँ, बस ऐसे ही बेड में ही पड़े रहते हैं। इसका यूज़ तो होता नहीं है, गर्मी काफ़ी है, तो बस इसको अब एक दिन फ्री होकर के इसको भी पैकिंग करूँगी। और बेडशीट कैसे पैकिंग करते हैं और कैसे रखते हैं जो अच्छे से रहते हैं, मैसी नहीं होंगे, तो उसका भी वीडियो में ज़रूर आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, ताकि स्पेस कम हो तो अच्छे से कंबल को कैसे एडजस्ट कर सके वो भी मैं दिखाऊँगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल मैं ऐसे ही इसको रख देती हूँ, इसे धूप में ही रखना है। बेडशीट को साफ़ कर लेती हूँ और जो काम मैं कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत साथ ही चाय भी पी लेती हूँ। तब तक आप लोग तो ये गुल्लक रैबिट मैं ली थी, ये गुल्लक है मैं ली थी दुर्गा पूजा में। और इस गुल्लक में पता नहीं क्यों पैसा ही नहीं रहता है, और ये जब मैं ख़रीद रही थी उस समय पैसे कम पड़ गए थे। अगर आप गुल्लक खरीद रहे हैं ना, अगर पैसे कम पड़ गए हैं तो मत लीजिएगा, वरना पैसे नहीं रहते। मेरे पास तो इसमें एक रुपये भी नहीं रह पाते, बस ऐसे ही सो पीस है, इसे फेंकने को भी मन नहीं करता, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। और हाँ, जब मैं स्कूल लाइफ में पढ़ती थी ना, तो मेरी एक ही ड्यूटी थी, पूरे घर का एक एक रूम साफ़ करना, एक एक दीवार साफ़ करना, एक एक पलंग साफ़ करना मेरी खुद की ड्यूटी थी, और डेकोरेशन करना। बट अब मैं अपना बेडरूम का करती हूँ और सब अपने अपने रूम का करते हैं। तो ये देखिए, इस पर कितने सारे धूल बैठ गए, और इसे मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ। ये भी मैं दुर्गा पूजा में बाई की थी और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
फाइनली मेरा एक एक मेहनत रंग लाई और मैं अपना रूम को क्लीन कर ली हूँ। तो एक नज़ारा देखिए मेरे रूम का, मेरा रूम काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है और काफ़ी अच्छे से अच्छा लग रहा है। अब रूम हल्का लग रहा है देखने में और रूम सजे रहते तो रूम अच्छे लगते हैं वरना बेकार से लगते हैं। तो ये मेरा खुद का बेडरूम है, ये मेरा पर्सनल बेडरूम है और पर्सनल बेडरूम में मैं सीक्रेट सामान कहाँ कहाँ से पाती हूँ, मेरे पर्सनल पसंद तो सब पता है। तो ये मेरा बेडरूम है खुद का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में इसी तरह, और मुझे फुल सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरे रोड के किनारे का ही घर है, देख रहे खिड़की है दो, वहीं से धुला था। और लीली देखिए कैसे देख रही है मुझे और बड़ा पैनी लगता है, कोई ज़रूर शरारती की है, ज़रूर ये बदमाशी की होगी। और क्या बदमाशी की है, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, मैं एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगी। तो ये मुझे जब भी कोने से देखती है ना, ज़रूर कुछ ना कुछ कांड की हुई रहती है। और मैं अपना बेडरूम ठीक कर रही थी तो चलिए सारा काम हो गया और देखते हैं ये क्या बदमाशी की है क्या नहीं की है। और मुझे लग रहा है ये ज़रूर कुछ ना कुछ की है, तभी ये दूर से मुझे झांक रही है। और ये कॉटन का पर्दा भी नेक्स्ट बार दूसरे कलर का लूँगी, ये बहुत हो गया और थोड़ा बोरिंग सा लगता है पिंक पिंक देखे हुए। और देखिए मेरा दुपट्टा लेके जा रही है दोबारा, और ये देखिए कोई भी नहीं। तो छत पे पर रजाई पे बैठ के रजाई को देखिए काट रही, नीचे दुपट्टा ऊपर रजाई, और कहीं भी जाके टपक जाएगी। और ये देखिए छत पे क्या कांड की भैया, बोले मुझे क्यों झांक रही हो, देखिए कितना सारा रुई फेंकी हुई है, सारा घर रुई रुई। तो लीली सारा रुई फेंक दी है और ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी हुई है। तो मेरे छत पे बर्फबारी हुई है सब बिहार को छोड़कर। तो ये बॉल का हाल की है और यहाँ रुई है, यहाँ रुई है, यहाँ रुई, सारा रुई रुई है। देखा ये रुई, ये रुई और ये लाइटर। लीली क्या कियो, घमंडी को देखो। अरे घमंडी कहाँ जा रही हो, तो बदमाशी की हो ना। ठीक, अब बॉल नहीं खरीदाएगा तुम्हारा।